दुनिया भर में लगातार कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। ऐसे में मलेशिया के राजा ने मंगलवार को कोरोना वायरस के लिए आपातकाल पर मुहर लगा दी है, जिसके बाद कम से कम अगस्त महीने तक संसद निलंबित रहेगी और इससे संकटग्रस्त प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन को पद से हटाने के लिए आम चुनाव करवाने के सभी प्रयासों पर रोक लग जाएगी और उन्हें राहत मिल जाएगी। पीएम यासीन ने टेलीविजन पर भाषण में नागरिकों को आश्वासन दिया कि यहां आपातकाल सैन्य तख्तापलट नहीं है और इसमें कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1 अगस्त तक जारी रहने वाले आपातकाल के दौरान भी कमान असैन्य सरकार के हाथों में होगी। आपातकाल अगस्त या उससे पहले तक जारी रहेगा, इस बारे में फैसला हालात को देख कर लिया जाएगा। आपातकाल की घोषणा एकाएक ही की गई है। एक दिन पहले ही मुहिद्दीन ने घोषणा की थी कि मलेशिया का सबसे बड़ा शहर क्वालालंपुर, प्रशासनिक राजधानी पुत्रजया और 5 अत्यंत जोखिम वाले शहरों में लगभग लॉकडाउन जैसी स्थिति होगी, जो बुधवार से शुरू होकर 2 हफ्ते तक जारी रहेगी। यह सब घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब सत्तारूढ़ गठबंधन में सबसे बड़े दल यूनाइटेड मलय नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने मुहिद्दीन से समर्थन वापस लेने की धमकी दी है, ताकि समय से पहले आम चुनाव कराया जा सके। यासीन ने कहा कि महामारी से राहत मिलने पर जब चुनाव कराना सुरक्षित होगा तब वहां आम चुनाव कराएंगे। इससे पहले मलेशिया में 1969 में आपातकाल की घोषणा हुई थी, जब नस्लीय दंगों में सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। वही मलेशिया नरेश द्वारा आपातकाल की घोषणा को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इससे पहले नरेश सुल्तान अब्दुल्ला अहमद शाह ने अक्टूबर में यासीन के आपातकाल घोषित करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। बता दें कि हर दिन मलेशिया में कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण से जूझ रही दुनिया के सामने अब कोरोना के नए स्ट्रेन का खतरा मंडराने लगा है। 24 घंटे में ब्रिटेन में कोरोना के रिकॉर्ड 55,000 से अधिक नए पॉजिटिव मामले रिपोर्ट किए गए हैं और 964 लोगों की संक्रमण के चपेट में आने से मौत हो गई है।